चलिए आठवां राउंड है। घर बैठ दो करो हम इस जो ये कल जो बातचीत हुई इसका हम खैर मकदम करते हैं। ख़ासकर जो हम टंगडार, केरन, मच्छल, बुडनंबल और बाकी गुरेज़ वाला एरिया है, हम सारे इस क्योंकि हम इस इसकी ज़द में जो फायरिंग होती है, इसकी ज़द में केरन का एरिया आता है, टंगडार का आता है, मच्छल का आता है, जो ज़ीरो लाइन पे रहते हैं। तो हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और हम चाहते भी यही थे और हम आगे भी यही चाहते हैं कि अमन हो और अमन के साथ हम भी सुकून के साथ अपने बॉर्डरों पर रहें। जैसे हम केरन में रह रहे हैं, मच्छल में रह रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में सही जा सकें, हमारे वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में मिल बैठ के बात करें ताकि अमन हो जाए और अमन से हमारे बॉर्डर के जो लोग हैं टंगडार, मच्छल और केरन, इसमें फ़ायदा हो सके। हम ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बातचीत हुई है इस पर हम बहुत खुश हैं। हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं और हमें क्योंकि इस गोलाबारी में हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, मकान का, इंसानी जाने जाती हैं, उस वजह से हम बहुत बड़ी खुशी की बात है ये हमारे लिए, खासकर हम जो बॉर्डर के लोग रहने वाले, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ये। बिल्कुल हम चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसी बातचीत होती होनी चाहिए क्योंकि हम अमन चाहते हैं और अमन भी अच्छी चीज़ है ये और अच्छा है ये। हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, हमें ही पता है जब फायरिंग होती है तो हम लोगों का कितना नुकसान होता है, ये तो अल्लाह ही जानता है, फिर बॉर्डर के लोग जानते हैं। तो इस बातचीत पर इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अमन जो है, अमन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बातचीत पे इंशाल्लाह हम खुश हैं ताकि हम अमन से रहेंगे, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, हम भी अपनी रोज़ी रोटी को कमाने के लिए निकलेंगे। जब फायरिंग होती है तो हम अंदर होते हैं, हमें पानी तक भी नहीं मिल सकता है। तो इस चीज़ पर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बातचीत हुई है इस पर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ पर हमारा हमेशा साथ रहेगा कि भाई अमन से रहो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। तो इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इंशाल्लाह। जनाब, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम अमन चाहते हैं, बॉर्डर ज़ीरो लाइन पर रहने वाले लोग हैं, हमें रात की नींद तो मिलेगी जनाब, हम इस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, हमारी औरतें अंदर बाहर जाएंगी, हमें जब फायरिंग होती है हम अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हो और अमन रहे, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं जनाब। बातचीत होगी, बिल्कुल स्कूल जाएँगे हमारे बच्चे, हम बड़े शुक्रगुजार हैं इस बात के, दोनों गवर्नमेंट के, बातचीत होनी चाहिए।